टीम इंडिया के विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत के सड़क हादसे में घायल हुए 24 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है। फैंस के साथ साथ साथी खिलाड़ी भी अपने चहेते क्रिकेटर की सलामती की दुआ कर रहे हैं। जिस तरह उनकी कार डिवाइडर से टकरा कर पलटी थी और उसमें आग लग गई थी, उस हादसे से पंत का बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल उनका इलाज देहरादून में चल रहा है। हादसे का शिकार होने के बाद उनके साथी खिलाड़ियों ने भी ट्वीट कर चिंता जाहिर की थी। इस बीच अब खबर आई है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, जो इस वक्त मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं, उन्होंने पंत का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात की। टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती है। 25 साल के पंत की मर्सिडीज कार दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई थी। ऋषभ पंत को इस हादसे में सिर, पीठ और पैरों में काफी चोट लगी थी। मैक्स हॉस्पिटल में पंत की मां सूरज पंत और लंदन से आई बहन साक्षी उनके साथ हैं। अब ऋषभ पंत को लेकर ताजा हेल्थ अपडेट सामने आया है। ताजा अपडेट के मुताबिक ऋषभ पंत की स्थिति में अब काफी सुधार है और डॉक्टरों ने किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि अब भी वो ICU में है। पंत के पारिवारिक मित्रों ने अस्पताल में उनसे मुलाकात के बाद ये बात कही। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी उन डॉक्टरों से बात कर रहे हैं जो वर्तमान में ऋषभ पंत का इलाज कर रहे हैं। रोहित फिलहाल मालदीव में नया साल सेलिब्रेट करने गए हैं। शनिवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के निदेशक श्याम शर्मा, बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर ने भी मैक्स अस्पताल में पंत से मुलाकात की। वहीं श्याम शर्मा ने ऋषभ पंत से मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, यहाँ चिकित्सकों द्वारा पंत की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। BCCI भी उनके संपर्क में है, उनकी हालात पर ताजा जानकारी ले रहा है। फिलहाल उन्हें यहीं रखा जाएगा। ऋषभ पंत को थोड़ा दर्द है, लेकिन अब भी वो मुस्कुरा रहे हैं। BCCI सभी डॉक्टर्स के टच में है। बता दें कि पंत को श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी से शुरू हो रही T20 और उसके बाद होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था। वो पहले से ही घुटने की चोट और बैक इंजरी से जूझ रहे थे, इसलिए BCCI और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाकर अपनी स्ट्रेंथ पर काम करने के लिए कहा था, क्योंकि भारत को फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज खेलनी थी, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से भारत के लिए काफी अहम रहने वाली है। हालांकि पंत के NCA पहुंचने से पहले ही यह जानलेवा हादसा हो गया। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।